everyone, myself Subrati Vishwas from NIT Durgapur. Today we are going to talk about NIT Calicut. तो इससे पहले मैंने बहुत सारे NITs के ऊपर वीडियोस बनाया है, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है NIT Calicut के ऊपर डिटेल वीडियो रहेगा। तो NIT Calicut का मैं कॉलेज का रिव्यूज देने वाला हूँ, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देने वाला हूँ, कॉलेज का क्या क्या फैसिलिटीज है, कॉलेज का कैसे आप लोग एडमिशन ले पाएंगे, और कॉलेज का क्या क्या पिछले साल का कट ऑफ गया था, और कितना कितना हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज गया था, पूरा डिटेल वीडियो रहेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो और आप लोगों के एक ही रिक्वेस्ट, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। NIT Calicut आप लोगों का टॉप NITs के टॉप 10 NITs में हमेशा आता है। तो शुरू करते हैं NIT Calicut। आप लोगों का 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो बहुत पुराना कॉलेज है और उसका एलुमनाई भी अच्छा है। तो NIT Calicut आप लोगों का केरला में है, कालीकट केरला में है। तो इस कैंपस का साइज है 300 एकड़, तो समझ सकते हैं बड़ा कैंपस है और आप लोगों को पूरा एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आप लोगों का कनेक्टिविटी कैसे है, तो उसका आप लोगों कैंपस से 35 किलोमीटर के दूर में कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और कोझिकोड रेलवे स्टेशन आप लोगों का कैंपस से 23 किलोमीटर दूर है। अच्छा, कॉलेज का फैसिलिटीज क्या क्या है, आप लोगों का कॉलेज का बैंकिंग का फैसिलिटीज है, आप लोगों का कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज है, कैंटीन्स का फैसिलिटीज है, लैब्स का फैसिलिटीज है, उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल्स है, बॉयज हॉस्टल्स है, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल का फैसिलिटीज है। तो हर एक फैसिलिटीज आप लोगों को मिलेगा अगर कॉलेज मिलेगा तो। उसके बाद आप लोगों का NRF रैंक, आप लोगों का 2020 का इंजीनियरिंग का NRF रैंक 23 का है। उसके बाद आप लोगों का एडमिशन कैसे ले पाएंगे, आप लोग इसमें जोसा के और सीसैक काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन ले पाएंगे और आप लोगों का जेई मेंस का स्कोर के थ्रू, जेई मेंस का स्कोर जब आएगा उसके बाद आप लोग जोसा सीएसएबी के काउंसलिंग के थ्रू आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बोलते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर आप लोगों का टू टाइप्स का है, एक इंस्टीट्यूट फीस है, एक हॉस्टल फीस है। इंस्टीट्यूट फीस में आप लोगों का कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल है 1500 रुपीज। उसके बाद वन टाइम फीस आप लोगों का 4000 रुपीज देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 62500 देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का अदर फीस पर सेमेस्टर 3900 देना पड़ेगा और एनुअल फीस आप लोगों का पूरा मतलब ईयरली आप लोगों को 2450 देना पड़ेगा। टोटल मिलाकर 74350 देना पड़ेगा। तो इसमें से आप जो जिन लोग SC ST स्टूडेंट है और फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट है उन लोगों को ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ेगा, 62500 जो रुपीज है वो नहीं देना पड़ेगा। और जो लोग जनरल ओबीसी कैटेगरी में पढ़ते हैं और उन लोगों का फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उन लोगों को भी ये ट्यूशन फीस माफ है। और जिन लोगों का जनरल ओबीसी कैटेगरी है पर एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है, तो 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस आप लोगों को देना पड़ेगा। और जो लोग जनरल और ओबीसी कैटेगरी में है पर एनुअल इनकम आप लोगों का 5 लाख से ज्यादा है तो आप लोगों को पूरा देना पड़ेगा। इसके बाद आता है आप लोगों का हॉस्टल फीस। हॉस्टल आप लोगों का कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल है 10,000 रुपीज। उसके बाद आप लोगों को वन टाइम फीस रुपीज 5,000 देना पड़ेगा। हॉस्टल चार्जेस पर मंथ आप लोगों को रुपीज 1,250 देना पड़ेगा और मेस फीस पर सेमेस्टर आप लोगों को 20,000 रुपीज देना पड़ेगा। ये है टोटल फीस स्ट्रक्चर ऑफ NIT Calicut। अब बात करेंगे टोटल क्या क्या ब्रांचेस है, कितना कितना प्लेस्ड हुआ था, कितना परसेंट प्लेस्ड हुआ था, एवरेज पैकेज, ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज बोलने वाला हूँ और कुछ स्टैट्स 2020 का बोलने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं पूरा ब्रांचेस के ऊपर। तो टोटल इस कॉलेज में 10 ब्रांचेस है इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो ब्रांच आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच। तो इसमें आप लोगों का 2019 का मैं पूरा स्टैट्स बोलने वाला हूँ। तो 2019 में आप लोगों का 72.73% प्लेस्ड हुआ था, एवरेज पैकेज बायोटेक्नोलॉजी का 7.29 लाख गया था और हाईएस्ट पैकेज 10.50 लैक्स गया था। उसके बाद आप लोगों का केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों का 2019 में 81.82% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था, एवरेज पैकेज 7.90 लैक्स था और हाईएस्ट पैकेज 17.30 लैक्स गया था।
उसके बाद आता है आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग। सिविल में आप लोगों का 79.25% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था और एवरेज पैकेज आप लोगों का 7.34% 34 लाख गया था और हाईएस्ट पैकेज आप लोगों का 17.30 लाख गया था। उसके बाद आप लोग कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का 99.17% प्लेस्ड हुआ था, एवरेज पैकेज आप लोगों का 14.98 लाख गया था कंप्यूटर साइंस में और हाईएस्ट पैकेज 50 लाख गया था। समझ सकते हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस में गया था 50 लाख। उसके बाद आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का 85.71% प्लेस्ड हुआ था 2019 में और एवरेज पैकेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 7.43 लाख और हाईएस्ट गया था 15.70 लाख। उसके बाद आप लोगों का आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, उसमें आप लोगों का 93.88% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था और एवरेज पैकेज आप लोगों का 9.16 लाख गया था और हाईएस्ट पैकेज आप लोगों का 30 लाख गया था। उसके बाद आता है आप लोगों का इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच में आप लोगों का 66.67% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था और एवरेज पैकेज आप लोगों का 6.74 लाख गया था और हाईएस्ट गया था 10.50 लाख। उसके बाद आप लोगों का आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में आप लोगों का 80.46% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था और आप लोगों का एवरेज पैकेज 7.36 लाख गया था और हाईएस्ट पैकेज आप लोगों का 17.30 लाख गया था। उसके बाद आप लोगों का आता है प्रोडक्शन इंजीनियर। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आप लोगों का जो 92.31% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था और आप लोगों का एवरेज पैकेज आप लोगों का 6.30 लाख गया था और हाईएस्ट पैकेज 7.50 लाख गया था। उसके बाद जो आखिरी जो ब्रांच है वो है आप लोगों का आर्किटेक्चर ब्रांच। आर्किटेक्चर में आप लोगों का 33.33% प्लेस्ड हुआ था और एवरेज पैकेज आप लोगों का 9.08 लाख और हाईएस्ट पैकेज 18.24 लाख। तो यह टोटल आप लोगों का ब्रांच वाइज एनालिसिस, कितना कितना परसेंट प्लेस्ड हुआ था, कितना कितना परसेंट एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज है और यह टोटल 2019 का स्टैट्स है। तो इसमें आप लोगों का 2020 का थोड़ा मैं रिसर्च करके देखा कि 2020 में आप लोगों का 50 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज गया है। तो यह 50 लाख गया था। अब यह टोटल आप लोगों का कितना ब्रांच वाइज कितना कितना प्लेसमेंट गया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा हर एक NITs, IITs, IITs और जोसा काउंसलिंग, CSAB काउंसलिंग। उसके बाद आप लोगों का कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुआ उसके ऊपर भी आने वाला है। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स और आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में भी चेक करिए मेरा दूसरा NITs के ऊपर भी डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन चेक करिए और नहीं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो थैंक यू।